जो फेडरेशन का गठन हुआ, सब्जी फेडरेशन, जिसकी चर्चा हर एक मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये समझिए कि पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है, सदन की कार्यवाही रोज चल रही है। ऐसे में कृषि विभाग की ओर से जब कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जवाब दे रहे थे बिहार विधान परिषद में, उस वक्त आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने ये पूछा कि क्या सरकार के जितने वादे किए गए हैं, क्या वो ढकोसला था, जितने बुलबुले छूट गए, यानी कि जो हवा हवाई बातें की गई, क्या वह सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए थी? क्या कुछ कर थे सुनील सिंह कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के बयानों के बाद, जरा सुनिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि बिल्कुल यह कागज पर है, और पहला कि यह कोई नया सोसाइटी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। किसी भी भाषण में ये बोलते हैं कि हम तरकारी नाम से एक ब्रांड चलाए हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे लाभ पहुंचे। 17-18 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस कृषि मैप का उद्घाटन किया था अपने कर कमलों से। महोदय, 17-18 में इसमें प्रोजेक्ट किया गया था 2,15,035,00,000 रुपया। फिर 18-19 में किया गया, 19-20 में किया गया, 20-21 में किया गया। महोदय, उससे भी बड़ी बात आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ये सरकार का स्पष्ट आदेश था कि यह सुविधा मात्र मैं 3 सालों के लिए ही दे रहा हूं, और 3 साल कब का चला गया, मतलब भ्रूण हत्या हो चुकी। स्पष्ट लिखा हुआ है इन्हीं के आदेश में, सरकारी जो संकल्प है इसी में लिखा हुआ है कि जो स्थापना व्यय क्षमता निर्माण और अनुश्रवण हेतु 3 वर्ष के लिए ही 100% अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इसके लिए 2017 में 1700 करोड़ रुपया कैबिनेट से इन लोगों को आवंटन हुआ, उसमें से मात्र 25 करोड़ रुपया अभी तक पटना सब्जी संघ को दिया गया है। और आपको बताते हुए हम बताना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि जो फेडरेशन का गठन हुआ, सब्जी फेडरेशन, जिसकी चर्चा हर एक मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये समझिए कि पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो गया। 1 रुपये का भी अभी तक फेडरेशन ने कारोबार नहीं किया। जो माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि मेरी ये योजना है, वो योजना है, अब तो 1 साल बचा और अभी तक तो आप 5% भी अचीव नहीं कर पाए। आपने कितना सेंटर खोला, आप कितना शीत गृह किसानों के लिए बनाए, आप सोसाइटी। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत रूप से उत्तर दिया, जो कि इस योजना का आरंभ भी हुआ है और कहां कहां क्या क्या बन रहा है, गोडाउन बन रहा है या आउटलेट बन रहा है, सबके बारे में विस्तार से कहा। बिल्कुल, रिकॉर्ड दे रहे हैं। ये कहना सही नहीं होगा जो कि सिर्फ कागज तक ही सीमित है। बिल्कुल कागज तक, ये आप जरूर कह सकते हैं विलंब हो रहा है, लेकिन मंत्री जी की सोच व्यापक है और मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया। आपका योजना था कि 100 हम छोटे छोटे प्रत्येक ब्लॉक में, 534 ब्लॉक है पूरे बिहार में, प्रत्येक ब्लॉक में हम छोटा छोटा शीतगृह बनाएंगे। माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि अभी तक आप 10 भी बना कि नहीं बना, 10 जगह का नाम बताइए कि सब्जी रखने के लिए कहां शीतगृह बना। आपने 50 एकड़ जमीन बोला था कि हम संघ को देंगे पटना के अगल बगल में, ताकि वो कंपोजिट बना ले, इसी में सब्जी नहीं रखाएगा। तो इसके बारे में जो प्रक्रिया की जा रही है विभाग के तरफ से, मंत्री जी ने तो विस्तार से बताया, आप महोदय सुना नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल सुने हैं महोदय। 4 साल हो गया, 1 साल बचा, और इन्हीं के संकल्प में है कि 3 साल के अंदर में ये स्टैंड हो जाएगा। 3 साल के बाद हम उसका कोई स्थापना खर्च नहीं करेंगे, इसका मतलब इनका संकल्प गलत है। नहीं, संकल्प गलत नहीं हो सकता। तो कृषि रोड मैप में जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, धीरे धीरे सब धरती पर उतर रही हैं। और माननीय सदस्य ये नहीं बोले जो कि कागज तक ही सीमित रह गया। बिल्कुल कागज तक सीमित है, मात्र 25 करोड़, मात्र 25 करोड़ पटना संघ यूनियन को दिया गया है। 25 करोड़ सैंक्शन जो पटना का हुआ है वो 430 करोड़ हुआ है, पूरा 1700 करोड़ का इसमें बजट कैबिनेट से पास है, कोई हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं महोदय। नहीं नहीं, पहले एक तो महोदय हम जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने संकल्प लिया है कि 100 शीत गृह बनाएंगे, पटना में 150 हम आउटलेट खोलेंगे, 50 एकड़ संघ के लिए जमीन देंगे जिसमें सारा सब्जी रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होगा, यह कब तक होगा महोदय, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य,
तो आपने सुनील सिंह का वो जोरदार भाषण सुना, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार की आलोचना तो की ही है, लेकिन ये कहा है कि सब्जी मंडियों को लेकर के जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है जमीनी धरातल पर, हकीकत कुछ और है। कहीं ना कहीं सुनील सिंह के इन आंकड़ों से सत्ता पक्ष जो है वो पानी पानी होता हुआ दिख भी रहा था सदन की कार्रवाई के दौरान। हालांकि जवाब भी दिया है सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन सत्ता पक्ष की जवाब से संतुष्ट नहीं दिख रहा था विपक्ष। फिलहाल नोकझोंक तो चलती रहती है सदन की कार्रवाई के दौरान, उन सभी वीडियो से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।